और इसकी क्या उड़ान का उसका टाइमिंग रहा होगा चाचा जी दो इस बजे टाइम? तक का है अच्छा, ये 2 बजे तक का ये कबूतर उड़ा हुआ है, अब दो इसके बजे तक पट्ठे बना के उड़ाते पट्टे होंगे। हैं जी, इसके पट्टे हैं, एक लालचीना है लालचीना है, बहुत बहुत जबरदस्त उड़ने वाला देख कबूतर सकते हैं, बहुत पुराना कबूतर हो गया ये, बड़ा कबूतर है, बहुत प्यारा कबूतर है। इसको छोड़ सकते चाचा जी, इसको दिखा सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, तो आज हम आए घसियारी मोहल्ले में। घसियारी मोहल्ले में एक पेटी है और वो पेटी का आपको शौक करवाते हैं। वो पेटी हमारे बाबू भाई थे जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनके कबूतर हैं और उनके कबूतर का आपको शौक करवाते हैं। और साथ में यहीं पर उनके पार्टनर जो थे अन्नी भाई, तो अन्नी भाई यहाँ पर उनके साथ शौक करते हैं। और उनके चाचा जी हैं बाबू भाई जो थे, उनके चाचा जी हैं अफाज भाई, तो ये उनका खेल है। तो उनके कबूतरों को आपको शौक करवाते हैं और उनसे मिलवाते हैं। मिलते हैं पेटी के ऑनर से। क्या नाम है चाचा जी आपका? अफाज खान नाम है आपका। और कितने सालों से शौक है आपको? बचपन से शौक है। बचपन से शौक है और अभी भी शौक बरकरार आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शौक है भी ये कबूतर का। और इस बार टूर्नामेंट वगैरह बाजिया वगैरह होने वाली, तो इसमें आप पार्टिसिपेट तो करते ही हर साल, और इस साल भी बिल्कुल तैयारी है ही कबूतर की। और पिछले साल का टूर्नामेंट का एक बता दीजिए, आपकी कौन सा रैंक लग गया था पिछले साल आपको? तीसरा रैंक लगा था। तीसरा रैंक लगा हुआ था, उम्मीद तो थी कि पहला दूसरा की उम्मीद थी, लेकिन कबूतर उस दिन हार गए थे तो उस वजह से तीसरा रैंक लगा हुआ था। और इस साल फिर ऐसा है कि कबूतर बिल्कुल उड़ जाएंगे, तैयारियाँ हैं, तो पहले पहले की कोशिश कर सकते हैं इस साल। बहुत ही बेहतरीन भैया। भैया का नाम जानते हैं? मेरा नाम अन्नी यादव है। अन्नी यादव, और भैया आपको कब से शौक है भैया? हमको आप कह सकते हैं बचपन ही से है। बचपन से है, और फिर भी आपको कितना साल हो गया शौक करते हुए? 5 से 6 साल हो गया। 5 से 6 साल हो गया। और भैया शौक अब कब तक रहेगा आपको ये? इसका तो पता नहीं इसका पता नहीं, बोल नहीं सकते कुछ। तो भैया इस साल तैयारी वगैरह सब पूरी तैयारी है, टूर्नामेंट और बाजियों की तैयारी है। बहुत ही बेहतरीन भैया, और बिल्कुल आप यहाँ पर सब टाइम वगैरह सब देते होंगे कबूतरों को, बहुत ही बेहतरीन। पहले जोड़े का शौक करते, कौन सा कबूतर भैया? ये चीना, ये चीनी है। अच्छा भैया, ये चीना चीनी कबूतरी है, और इनका क्या इतिहास रहा है भैया? भैया हमारे यहाँ 3 साढ़े 3 बजे तक उड़ा है इसका बाप, ये नर। अच्छा, ये नर 3 साढ़े 3 बजे तक उड़ा हुआ है। और पिछले साल टूर्नामेंट में ये कितने टाइम तक आ गया था भैया? यानी हमारे यहाँ 2 या 3 राउंड होते हैं। हाँ, तो ये काट के ही बैठा था। अच्छा, ये 2-3 राउंड काट के बैठा था, और आखिरी में फिर आपका कौन सा प्राइज लगा था भैया? हमारा लगा था तीसरा प्राइज। तीसरा प्राइज लगा था। तो आइए नर का शौक करते हैं। नर की नर के पर हैं, और अब इनकी उड़ान चालू हो गई भैया? नहीं भैया, अभी अप्रैल में 1 अप्रैल से चालू होगी। 1 अप्रैल से चालू होगी इनकी उड़ान। और इसकी आँखों का शौक करते हैं, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आँखें इसकी, क्या बात है। और अभी अप्रैल से इसको चालू कर देंगे आप, तो इस बार भी ये टूर्नामेंट और बाजियों में ये उड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन भैया, इसकी मादी का शौक करवा दीजिए, देख सकते हैं कबूतर 3 साढ़े 3 बजे तक उड़ा हुआ कबूतर। हमने किसी की पकड़े थे। अच्छा, ये पकड़ी की कबूतरी है। ये कब पकड़े थे भैया? ये पिछले के पिछले साल। अच्छा, 2 साल करीब करीब हो गया। और इसका फिर इसको उड़ाया भी आपने? इसको उड़ाया नहीं है, इसके बच्चे उड़ते हैं। अच्छा, इसको ये बच्चे उड़ते हैं इसी के साथ लग के, उसी के साथ में इसके बच्चे भी दिखाते हैं। अच्छा, इसके बच्चों को भी शौक करवाते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन कबूतरी। तो अभी इसको उड़ाते ही नहीं आप? नहीं उड़ाते। अच्छा, बच्चे सक्सेस है तो नहीं उड़ा। बहुत बढ़िया भैया, देख सकते हैं आप मादी। और कौन सा कबूतर भैया? चीना है और ये धूमी मादी है। ये बड़े चीने के पट्टे हैं। तो इनका क्या रिजल्ट रहा है भी उड़ाए होंगे तो? उसके बाप के साथ ही उड़ता है। अच्छा अच्छा, जितने राउंड छूटे थे ये उड़ाता है। अच्छा, ये उसके साथ में जोड़ पे उड़ता है। तो भैया दोनों में से कौन सा अच्छा उड़ता है उन दोनों में से? दोनों का नहीं बोल सकते आप, मतलब एक आपने पिछले साल उड़ाए थे तो उसका बाप तो बाप ही, मतलब बाप तो बाप ही रहेगा वाली कहानी है, और बच्चा फिर उससे थोड़ा सा कम उड़ लेता है। तो फिर भी एक इसका टाइमिंग क्या रहा भैया? टाइमिंग ये बाप के साथ ही आया है, 3 साढ़े 3 बजे तक ये भी कंटिन्यू चला हुआ है। तो नर का शौक करते हैं, पहले नर का शौक करवा दीजिए, इसकी आंखें देख सकते हैं आप, और बहुत ही प्यारा, और इसके परों का शौक करवा। तो अभी इनको चालू कर दिए भी उड़ाना? 1 अप्रैल से चालू हो जाएंगे। अच्छा, इनको 1 अप्रैल से चालू कर देंगे उड़ाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन कबूतर, देख सकते हैं। और इसकी मादी का शौक करते हैं, इसकी मादी है, और ये इसकी मादी है, धूमी में बनी हुई है कबूतरी, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी आँखों की कबूतरी। और इसके परों का शौक करवा दीजिए भैया, देख सकते हैं परों का। और भैया ये कितने टाइम तक उड़ी तो हुई है? अभी इसको जमा जो मुके रखे हैं। अच्छा अच्छा, आने के लिए। अच्छा, इस साल से इसको भी आप चालू कर देंगे उड़ाना? तो फिर भी ये बहुत अच्छी लीड दे सकती है, आपको उम्मीद है क्योंकि आपके बड़े कबूतर की पट्टी है। तो
बहुत ही बेहतरीन। तो कौन सा जोड़ा है ये? लालसरा लालसरी का जोड़ा। और इसका क्या इतिहास रहा है? ये तो कबूतर के जितना उड़ले इसके लिए बहुत कम है। अच्छा, जितना उड़ले इतना बहुत कम है। तो भैया इसको फिर भी आप उड़ाते हैं? अभी नहीं उड़ाते, अब इनके बच्चे अच्छे उड़ते तो अब। अच्छा, ये अब ब्रीडिंग पेयर के लिए उसको रख दिए है। बाकी देख सकते हैं आप, ये कबूतर नर का शौक करते भैया, देख सकते हैं आप, नर का शौक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कबूतर, और इसके परों का शौक करवा दीजिए। अच्छा, पर कैच में है, बहुत ही बेहतरीन। और ये कम समथिंग कितने बजे तक उड़ा हुआ कबूतर भैया? शाम तक ये कबूतर बैठा आराम से, और जैसे उड़ के आता था तो आपको समझ आ जाता था कि बहुत प्यारा कबूतर, बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं आप लोग कबूतर को। और इसकी मादी का शौक करवा दीजिए भैया, देख सकते हैं कबूतर। ये उसकी मादी है, चंदन चूहे में आई हुई कबूतरी है उसकी, आप ऊपर देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। और ये मादी भी उड़ाते हैं आप? इसके पर अच्छा, आ रहे हैं, इसके पर आ रहे हैं। तो इसको आप उड़ाएंगे भैया? इसको उड़ाएंगे। अच्छा, इसको उड़ाएंगे मादी को, बहुत ही बेहतरीन। और क्या लगता है, इससे पहले आपने इसको उड़ाया कभी? अभी तो उड़ाया नहीं। अच्छा, इसको उड़ाया नहीं अभी, इस साल पहली बार इसको उड़ाएंगे। अच्छा अच्छा भैया, देख सकते हैं मादी। और ये जोड़ा बहुत ही प्यारा जोड़ा, जोड़े का और शौक करते। कौन सा कबूतर भी है? ये हरा है और ये मादी धूमी मादी है। अच्छा, ये हरा एक धूमी मादी है। और इसका क्या इतिहास रहा है भैया? ये यार अपने भाई के यहाँ एक भाई था, उससे अपन ने लिए थे कबूतर। अच्छा अच्छा, ये राउंड में छूटा था। अच्छा, राउंड में छूटा लगा था। अच्छा, ये जो पिछले 2 साल पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, जो टूर्नामेंट छोटू भैया का उड़ा था, तो उसका कितना क्या प्राइस लगा था भैया? लगा था यार 8,000 या 9,000 रुपए। कौन सा रैंक लगा था उसका? लगा था थर्ड रैंक लगा था। और उसमें इसमें ये यही कबूतर उड़ा था? कबूतर उड़ा, इसके साथ और चीना उड़ा था, वो चीना तो अब है नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या टाइमिंग रहा था भी उस टाइम टूर्नामेंट में? 1-2 बजे तक हाँ, की इसकी टाइमिंग थी। हाँ, बहुत ही बेहतरीन कबूतर भैया। और आप इसका शौक करवा सकते हैं का? ये मतलब ये तहड़ी में आ गया तो इसको उड़ा नहीं सकते अभी। अच्छा अच्छा, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, देख सकते हैं आप लोग कबूतर की आंखें। और ये बड़ा कबूतर हो गया भैया? बड़ा कबूतर समथिंग कितने साल का कबूतर हो गया भैया? 5-6 साल का होगा। 5-6 साल समथिंग का हो गया। अब ये उड़ता नहीं होगा? नहीं उड़ता, ये तहरी लगता है। अच्छा, हल्की सी टेढ़, उसको बीमारी हो गई है और अब वो ठीक नहीं हो रही है अभी, देख सकते हैं आप। बल्कि अब इनके बच्चे वगैरह निकलते होंगे, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये धूमी मादी देख सकते हैं। ये भी उड़ी थोड़ी है। अच्छा अच्छा भैया, ये तो बहुत पागल मादी है। अच्छा, ये बात ही नहीं रही है। तो ये कितने बजे तक उड़ी होगी भैया? ये ज्यादा उड़ लेती थी ना तो इसके पर भर जाते। अच्छा, कबूतरी अगर टाइम से ज्यादा उड़ जाती है तो फिर ये इनके पर भरने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। वजह से कोई पकड़ना ले तो इसको उड़ा ही नहीं। अच्छा, अब इसको उड़ाते नहीं है इस वजह से कि पर भर जाते हैं करके। बहुत ही बेहतरीन कबूतर, ये देख सकते हैं आप। इसका भी पर तो दिया है। अच्छा, इस बार सोच रहे हैं कि इसको उड़ा सकते हैं करके, अगर अपने ये टाइमिंग पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आ जाए तो क्या बात है भैया, छोड़ सकते हैं कबूतरी, देख सकते हैं कबूतरी। जोड़ा चाचा जी, ये कल्पीटिया जोड़ा है। और इसका क्या इतिहास रहा है चाचा जी? तो बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। तो इसमें से नर का शौक करते हैं पहले, और उसके साथ उसमें उसका इतिहास जानते हैं। ये नर है, ये नर देख सकते हैं आप लोग। उड़ाते नहीं हम इसको। अच्छा, इसको उड़ाते नहीं अभी, उड़ाते नहीं। बड़ा कबूतर हो गया? हाँ, बड़ा कबूतर है। समथिंग ये कितने साल का हो गया होगा? पर कटे रहते हैं इसके। अच्छा अच्छा, ये कैच में कबूतर है, इसके बच्चे उड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कबूतर, देख सकते हैं आप लोग। और इसकी क्या उड़ान का उसका टाइमिंग रहा होगा चाचा जी? टाइम अच्छा, ये 2 बजे तक का ये कबूतर उड़ा हुआ है। अब इसके पट्टे बना के उड़ाते होंगे जी? इसके पट्टे हैं, एक लालचीना है। बहुत जबरदस्त उड़ने वाला कबूतर, देख सकते हैं। बहुत पुराना कबूतर हो गया ये, बड़ा कबूतर है, बहुत प्यारा कबूतर। इसको छोड़ सकते चाचा जी, इसको दिखा सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप कबूतर। ये इसी की पट्टी है। अच्छा, ये इसी की पट्टी है, पट्टी है, देख सकते हैं आप ये पट्टी। इसकी आंखों का शौक कर सकते हैं। और इसको अभी उड़ाते हैं चाचा जी आप? जी उड़ती है। अच्छा, ये इसको उड़ाते हैं कबूतरी, 1 बजे तक उड़ी है। अच्छा, ये 1 बजे तक करीब करीब उड़ी हुई कबूतरी है। तो इस साल इसको उड़ाएंगे? अच्छा, इस साल उड़ाएंगे इसको, तो फिर इससे चालू हो गई है। और 1 तारीख के बाद से बिल्कुल बाजिया वगैरह और टूर्नामेंट में देख सकते हैं आप, परों का शौक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कबूतरी, ये देख सकते हैं क्या बात है। देखते कौन सा जोड़ा भी है? ये कमर खोला हरा है, ये मादी है, भूरी मादी। अच्छा, हरी मादी है, हरी भूरी में, और ये कमर खोला हरा है, टिपकी वाला। और नर का शौक करते हैं भैया,
और नर है भैया, ये नर दूसरे का है, अपन ने कटाव वाले का अपन ने पकड़े थे। अच्छा, ये कटाव वाले का है। इसके भाई बहन इतना उड़े उसके आगे क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये कबूतर मंगने वो आया था। अच्छा, अपन ने दिया ही नहीं। अच्छा, दिए नहीं, कटाव वाला है वो। अच्छा अच्छा, तो अपने कबूतर भी अगर कभी वहाँ गए होंगे तो वहाँ से भी नहीं मिले होंगे। अपन जाते भी नहीं। अच्छा अच्छा, ना मांगते उनसे कबूतर। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हैं। और भैया फिर आपने इसको उड़ाया भैया? इसको उड़ा रहे ना, अभी उड़ाएंगे। अच्छा, इसको उड़ाए, पिछले साल उड़ाए थे भैया इसको। और क्या रिजल्ट दिया भैया इसने? इसने 12:00 बजे तक उड़ा है। 12:00 बजे तक रख लिए है और उड़ा भी दिए है। अच्छा अच्छा, ये सीजन उड़ाएंगे। अच्छा, ये सीजन इसको फिर आप बाजियों में वगैरह छोड़ सकते हैं, टूर्नामेंट वगैरह में भी अगर कबूतर उसी से बाजी लेके उड़ाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है भैया कि उन्हीं के कबूतर से बाजी लेके उड़ाओ, बहुत बढ़िया है। हालांकि नाम नहीं लेना भैया वीडियो में किसका है, बाकी जो भी है कबूतर आप देख सकते हैं। इसकी आंखों का शौक करवा दीजिए भैया, देख सकते हैं उसकी आंखें जो पलंका है, पलंका भी नहीं कह सकते, लाल आंखों में हल्का, बहुत ही बेहतरीन कबूतर है। और इसके पैरों का शौक करवा दीजिए भैया। और ये कब पकड़े थे भैया आपने? ये 2 साल हो गया, 2 साल करीब करीब हो गए। बहुत ही बेहतरीन कबूतर लग रहा है भैया, देख सकते हैं आप। ये कबूतर है कमर खुला और ये उसकी एक मादी है, उसी की पट्टी है। अच्छा, ये उसी की पट्टी निकली है भैया, और उसी के साथ जोड़ा लगा दिया अभी आपने। बहुत ही बेहतरीन कबूतर है, और देख सकते हैं आप भूरी मादी है, और इसके परों को देख सकते हैं आप। और इसको अभी आपने उड़ाया भैया? ये इसको जमा जमू के रखे हैं। अच्छा, ये जम गई है, तैयार हो गई है। और पर भी आई गए तो अब आप इनको उड़ाना चालू कर देंगे? अभी तो खैर मार वगैरह चल रही होगी इस वजह से ज्यादा उड़ा नहीं। अच्छा, नर है तो वही अभी कमर खोला दिखाए थे ना कटा वाले को, उसी का पट्टा है। अच्छा, ये उसी का पट्टा है, तो उसका एक पट्टा बना हुआ, एक पट्टी आपने भूई उसी के साथ लगी है, और ये दूसरा एक नर बना है। बहुत ही बेहतरीन भैया, तो नर का शौक करते हैं पहले, देख सकते हैं ये इसको कौन सा कबूतर बोलेंगे भैया? इसको गुलदार कमर खुला बोल सकते हैं। गुलदार कबूतर कमर खुले में आया है। हाँ, और ये आप उसकी आंखों को देख सकते हैं। ये तो भैया वो बाप तो पीली आंखों का था। हाँ, ये उसकी माँ में गया। अच्छा, ये उसकी माँ की आंखों में यह है, बिल्कुल छन्नी आंखों में, देख सकते हैं। और इसके परों का शौक करवा दीजिए। और ये भैया कब बना था ये पट्टा? ये पिछले के 2 साल पहले बना। अच्छा, 2 साल करीब करीब हो गया कि वो पट्टा बना था। और अभी इसको फिर आपने उड़ाकर चेक करें? ये उड़ा है। अच्छा, ये उड़ा है। दो तीन बजे तक ये कबूतर उड़ा हुआ कबूतर है। वो बाप बेटे उड़ते तो उन्हीं के साथ उड़ा है। अच्छा 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 भैया, तो ये भी इसको भी बिल्कुल उड़ा के और बहुत ही प्यारी लीड दे के रखे, घर के पट्टे बना लिए उसके। बहुत ही बेहतरीन कबूतर भैया, छोड़ के दिखा सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं कबूतर बहुत ही प्यारा। और इसकी मादी का शौक करवा दीजिए। इसकी मादी है, ये तो दूसरी मादी है, उससे लग के नहीं बनी है ये मादी। अच्छा अच्छा, ये भी घर की पट्टी भी है? ये भी घर की पट्टी है। बहुत ही बेहतरीन, देख सकते हैं आप उसकी आंखों को, काली आंखों में कबूतरी है, और ये सुरमई कबूतरी बोल सकते हैं इसको। और इसके परों का शौक कर सकते हैं, पर कैच में भी है, बंधे हुए है पर। अच्छा अच्छा, अभी ये उड़े ना करके मार वगैरह चल रही है, इस वजह से उसके पर बांध के रखे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन कबूतरी भी है। और अभी आपने इसको उड़ाया भी है, चेक करें? जमा के अच्छा अच्छा, ये तो अभी जो आने वाला साल है, आने वाला महीना जो अप्रैल में उड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल, तो कबूतरों को बचा कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। तो बस कबूतरों को जब बचेगा कबूतर बात से करो से, तभी तो हम उसकी उड़ान दिखाएंगे और उड़ान बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन भैया कबूतरी, देख सकते हैं आप एक बार, देख सकते हैं कबूतरी क्या बात। कौन सा जोड़ा भी है? कल्दुमा कल्दुमी का जोड़ा है। और इसका क्या इतिहास रहा है भैया? ये अपने यहाँ 11-12 बजे तक उड़े, 11-12 बजे तक ये उड़े हुए कबूतर है। और अभी अब उड़ाते हैं भी इनको? अभी ये साल उड़ाएंगे इनको भी, देख सकते हैं आप कबूतर। अच्छा, शुरुआत है इनकी, स्टार्टिंग इन्हीं से होगी, तो नर का शौक कर सकते भैया, कल से शुरू हो जाएंगे। ये कबूतर को देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी आंखें इसकी कबूतर होगी। और ये कितने साल का हो गया होगा भैया कबूतर? हो गया होगा, हमने भी दूसरे के यहाँ से लाए थे। अच्छा, ये दूसरों के यहाँ से लेकर आए थे कबूतर, देख सकते हैं परों में, बहुत ही प्यारे परों का कबूतर है ये। और कल्दू में वैसे अभी देखने मिल नहीं रहे हैं, और आपके पास इतने संभाल के रखे हुए कबूतर है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये अभी स्टार्टिंग इनकी चालू हो जाएगी, सबसे पहले अगर ये अभी उड़ लेंगे तो अपनी टाइमिंग देना चालू कर देंगे, तो ये इनसे ही बाजी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कबूतर भी है नर, देख सकते हैं आप। और उसी की मादी का शौक करते हैं, ये भी मादी देख सकते हैं, ये भी कल्दुमी मादी है, बहुत ही प्यारी कबूतरी है ये। और इसको भी उड़ाए हुए भैया? हाँ, इसको भी उड़ाए हैं। सेम रिजल्ट है दोनों का, जोड़ा का जोड़ा देख सकते हैं, बहुत सेम रिजल्ट है दोनों का। और अभी ये चालू होने वाले हैं उड़ाने के लिए, बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद फिर बेशुमार उड़ान इनकी देखने को मिलेगी आप लोगों को। बहुत ही बेहतरीन कबूतरी, छोड़ सकते भैया।
कौन सा जोड़ा है भैया? भरसा है, भरसा चीना बोल सकते हो, ये चीनी मादी सफेद चीनी, भरसा चीना और सफेद चीनी मादी में ये कबूतर है। और इनका क्या रिजल्ट रहा है भैया? ये भरसा हमने आज किसी के खरीद के लाए थे, वो खेल हटा रहा था। तो अच्छा अच्छा, किसी और के यहाँ के कबूतर है ये, और उन लोग खेल अलग कर रहे थे, पेटी अलग कर रहे थे, तो वहाँ से खरीद के लेकर आए थे। और भैया उनके यहाँ पर उड़ते हुए कभी कबूतर को देखा है? ये इतना अच्छा कबूतर है, यानी जिसके यहाँ रहेगा उसके यहाँ जम जाते। अच्छा अच्छा, ये दाने का पक्का कबूतर बोल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कबूतर। भैया कबूतर का नर का शौक करते हैं। और भैया के यहाँ पर जब कभी आपने देखे होंगे उड़ा हुआ, कुछ खासियत देख के लाए होंगे आपने, तो एक टाइम लिमिट आप बता सकते हैं कि कितने बजे तक उड़ा होगा? हमारे यहाँ खुद ही 12 बजे तक उड़ा। अच्छा, ये 12 बजे तक आपने अभी उसको उड़ा के रख लिए कबूतर के, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी आग और बहुत ही प्यारा कबूतर, बहुत प्यारा कबूतर लग रहा है। और इसके परों का शौक करवा दीजिए, ये देख सकते हैं आप इसके पर, बहुत ही खूबसूरत परों पर कबूतर है ये। और ये अभी इस साल भी कबूतर ये उड़ेगा, और पता नहीं अब कितने सारे कबूतर हैं उड़ाने के लिए। हर एक कबूतर में बेशुमार तड़प लग रही है उड़ने की, बहुत ही बेहतरीन भैया। उसकी मादी का शौक करते हैं, देख सकते हैं अंदर कबूतर, और ये चीनी मादी है। चीनी मादी है, तो ये भी भैया वहीं से लेकर आए थे घर की? ये घर की पट्टी। अच्छा, ये घर की पट्टी है, पेयर बस उससे लगा दिए हैं, तो देख सकते हैं इसकी आँख का शौक कर सकते हैं। सफ़ेद आँखों में कबूतर ही है, और इसके परों का शौक करवा दिए, तो इसको भी उड़ाते हैं भी आप? इसके माँ बाप उड़े ही हैं। अच्छा, इसके माँ बाप उड़ रहे हैं पूरे, तो ये इसकी पट्टी निकली है, तो इसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं साल उड़ा के, बहुत ही देखेंगे। बिल्कुल भैया, बहुत प्यारी है, ऊपरी छोड़ सकते हैं। कौन सा जोड़ा है भैया? धूमी का जोड़ा है। धूमा धूमी का जोड़ा है ये, और इसका क्या रिजल्ट रहा है भैया? इसके बच्चे नर है, इसके बच्चे उड़ते ही। अच्छा, इसके बच्चे उड़ते हैं, गारंटी इसके बच्चे उड़ते हैं, तो ये अभी ब्रीडिंग के लिए डला हुआ जोड़ा, बच्चे बने नहीं ये सीजन। अच्छा, इस साल मादी अंडे नहीं रख रही थी। अच्छा अच्छा, मादी अंडे नहीं रख रही थी, इस वजह से इसके बच्चे बन नहीं पाए। मादी इसकी अलग करके दूसरी मादी ला। अच्छा, दूसरी मादी के साथ इसका पेयर डाले हुए हैं, और नर का शौक कर सकते हैं इसमें। और भैया इसका क्या इतिहास रहा है भैया कबूतर का? पूरे यानी सिवनी में टिपकी वाले से नाम से जानते हैं इसको। अच्छा, ये टिपकी वाले आँखों में देख सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि ये कबूतर की आँखों में टिपकी है, तो ये धूमे को टिपकी वाले धूमे के नाम से जाना जाता है ये कबूतर को, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका क्या रिजल्ट रहा है, कितने बजे तक उड़ा हुआ कबूतर? इसके बच्चे उड़ा, इसको तो ये उड़ा नहीं है अपने, इसके बच्चे उड़े 12-1 बजे। अच्छा, इसके बच्चे बस उड़े हुए अपने यहाँ 12-1 बजे तक, बहुत ही बेहतरीन। इसको भी उड़ाकर फिर चेक भी निकाले जब पता है कि बच्चे इतने अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया, बहुत ही बेहतरीन भैया, छोड़ सकते हैं भैया इसको, आप देख सकते हैं ये कबूतर। और इसकी मादी का शौक करते हैं अब। ये धूमी मादी हमने पकड़े थे सीजन में। अच्छा, ये धूमी मादी है, ये पिछले साल सीजन में पकड़ी हुई कबूतरी है। और ये किसके यहाँ की कबूतरी पता है? पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, इसको उड़ाए थे तो ये उड़ रही थी 10-11 बजे, तो जिसके यहाँ की कबूतरी थी उसके यहाँ पर वापस गई नहीं है, अपने यहाँ ही जम गई है। अच्छा, ये अपने यहाँ पर जम गई है। अब इसको इस साल हो सकता है कि उड़ाएं आप? हर साल उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, इस साल भी उड़ाएंगे कबूतरी, बहुत ही प्यारी भी है। और पिछले साल इसको उड़ाए थे तो क्या रिजल्ट दी थी? 10-11 से ज्यादा नहीं बड़ी। अच्छा, 10-11 बजे से ज्यादा तो बड़ी नहीं है, 12-1 बच्चा। अच्छा अच्छा, 12-1 बजे तक इसके बच्चे का रिजल्ट आ ही जाता है, बहुत ही बेहतरीन। ये मकोया का जोड़ा है, देख सकते हैं ये सफ़ेद मकोए का कबूतर है, और देख सकते हैं बिल्कुल गुलाबी चोचों में काली आँख में ये कबूतर है। ये कबूतर पंजाब से आए। अच्छा, ये पंजाब से ये कबूतर आए हुए थे। क्या था, हमारे एक भाई था जिसके कबूतर ये सब। अच्छा, वो कुछ हादसे में खत्म हो गया। अच्छा, वो भाई अब रहे नहीं है, तो ये उनकी एक अमानत है, तो इस वजह से ये कबूतर। और भैया इनका क्या रिजल्ट रहा है भैया? अपन ने उड़ा के देखे नहीं है। अच्छा, उड़ा के देखे नहीं है, तो ये उड़ाएंगे नहीं। अब ये अमानत के तौर पे इनको रखे हुए कबूतर है, बहुत ही बेहतरीन कबूतर भी है। नर का शौक करते हैं इसमें से, ये देख सकते हैं आप नर काली आँखों में और गुलाबी चोंच, ये बहुत बड़ा कबूतर लग रहा है भैया, देख सकते हैं इसकी पुतलियाँ, बहुत ही बेहतरीन है। ये उसी की मादी है, मकोई मादी है, देख सकते हैं आप, काली आँखों में कबूतरी है और गुलाबी चोंच में कबूतरी। इसके परों का शौक करवा दीजिए भैया, देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कबूतर है ये। और इनको आप अब उड़ाते नहीं है क्योंकि ये किसी की भाई की, एक भाई की अमानत है, इस वजह से इनको उड़ाते नहीं है, बहुत ही प्यारे। और इनके बच्चे वगैरह निकले होंगे भैया? निकले थे, मर गए सब बीमारियों में। अच्छा अच्छा, बीमारी के वजह से बच्चे मर गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कबूतर, छोड़ सकते भैया इसको जोड़े के साथ, देख सकते हैं इसका जोड़ा, बहुत ही बेहतरीन कबूतर, खड़ान वगैरह सब आप देख सकते हैं।
देखते हैं कौन सा कबूतर है ये चीना कबूतर हरा चीना का ये चीना कबूतर है ये और इसकी आंखों का शौक करते हैं भैया और एक कब पकड़े थे भी आपने ये कबूतर पकड़े थे हमने यही सीजन में हमारे कटाव वाले ने लेके आए थे इसको जमाने और उड़ाने के लिए बाहर से अच्छा ये बाहर का कबूतर है और इसको फिर आपने अभी पकड़ लिए हैं तो इसके पर देख सकते हैं अभी इसके पर आ रहे हैं अच्छा कैच कर देंगे पर अभी इसके आ रहे हैं नहीं अपन को अच्छा अच्छा भैया तो ये अभी इसी सीजन का पकड़ी का कबूतर है बहुत ही प्यारा कबूतर और सामने वाले को आप देंगे नहीं भैया अच्छा कटाव वाले का कबूतर है इस वजह से वो भी हमारे नहीं देता हम भी उसके नहीं देते अच्छा अच्छा भैया देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कबूतर है ये बहुत ही प्यारा कबूतर ये भूरा पलंका है ये अपने कटाव वाले का ये अच्छा ये भी कटाव वाले का है उसके अपन ने दो दो कबूतर पकड़े थे अच्छा इस साल अभी उसके दो कबूतर आपने पकड़े हुए हैं देख सकते हैं ये कबूतर पीली आंखों में कबूतर है बहुत ही बेहतरीन कबूतर तो ये भैया ये भी कबूतर यहीं का है या बाहर का कबूतर है अपन को तो मालूम नहीं है अच्छा अच्छा भैया अब इसको हमने तो इसको तो उड़ाएंगे अच्छा इसको उड़ाएंगे ये तो पर खोले में कबूतर रखा हुआ है और ये यहाँ से भगा नहीं भी अभी तक अभी तो भगा नहीं है अच्छा तो इसको आपने जमा लिए जमा लिए है बहुत ही बेहतरीन 10-12 बार आ चुका है अच्छा ये उड़ा के इसको उड़ा भी लिए और वापस ये घर बैठ भी गया अच्छा अच्छा कबूतर तो बहुत शानदार लग रहा है भैया हो सकता है कि अच्छा खासा टाइमिंग दे दे देख सकते हैं आप कबूतर और छोटे भाई के हाथ में कबूतर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कबूतरी के साथ और ये हाथ में बिल्कुल आती है दाना वगैरह सब खाती है हाथ में बैठ कर और ये देख सकते हैं कबूतर है ये देख सकते हैं आप ये एक बाज कबूतरी है बहुत ही प्यारी कबूतरी लग रही है हमने पकड़े थे ये मादी भी अच्छा ये भी कबूतरी पकड़ी की है तो ये कब पकड़े थे भैया यही सीजन की कबूतरी पकड़ी हुई कबूतरी देख सकते हैं आप उसकी आंखों को बहुत ही बेहतरीन कबूतरी लग रही है और इसके पर व्हाइट पर है उसको एक बाजन इसको एक बाजन एक बाज कहते हैं और ये कमर खुले में हल्के से आई हुई कबूतरी है और ये मादी पट्टी भी है हाँ ये मादी पट्टी तो इसको क्या आप इस बार इसको उड़ाएंगे सोच रहे हैं अभी तो अपन ने पर बांध के अच्छा ये पर बांधते हुए नीचे करते हैं बिल्कुल भी है फिर इसका उड़ाना चालू कर देंगे बहुत ही बेहतरीन कबूतरी लग रही है और सबसे अच्छी कबूतरी हमको मज़ा भी आ रहा है ये कबूतरी देख सकते हैं आप लोग बहुत ही प्यारी कबूतरी लग रही है छोटी सी छोटी कद काट की हाइट की कबूतरी बाकी ये पूरे कबूतर है भैया के देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन कबूतर है भैया के पास और अभी कुछ बच्चे वगैरह बन रहे हैं और निकल ही रहे हैं बच्चे अभी भी और ये पूरे भैया के कबूतर है देख सकते हैं आप तो और एक पेटी और ये है इस साइड पे ये कबूतर है भैया के और ये बच्चे वगैरह हैं 28 साल के बने हुए जो अभी उड़ाने के लिए तैयार हैं तैयार किए हुए हैं ये जोड़ा देख सकते हैं ये कबूतर ये देख सकते हैं एक पेटी और है जो भी बच्चे वगैरह बने हुए वो सब यहाँ पर रखे हैं बहुत ही बेहतरीन कबूतरी सारे कबूतर है देख सकते हैं आप लोग पूरे कबूतर ये है